हेलो एवरीबॉडी। तो आज की जो शुरुआत है वो सुबह से है। अभी सुबह 8:50 के आसपास हुए हैं और अभी हम फ्रेश व्रेश होकर सुबह उठने के बाद में बाहर घूमने के लिए आए हैं। बाहर घूमने के लिए जहाँ पे मतलब कि घूमने के लिए जहाँ गाड़ी चलानी सीख के, तो ये रोड है, वो इधर ये रोड है। मतलब कि अलग अलग सिचुएशन है यहाँ पर, जो कर अलग अलग पार्किंग बना रखी, जो कर रेल की जैसे क्रॉसिंग हो उसके वो बनाए रखा है, साइन भी बनाया है, जैसे अलग अलग यहाँ के ट्रैफिक रोल जैसे वहाँ मतलब कि मेन रोड पर फॉलो करें, ऐसा ही मतलब कि यू प्रैक्टिस करने के लिए इन्होंने यू बनाया रखा सारा ताम झाम अपना। तो यहाँ हमें कल को गाड़ी सीखनी, आज तो संडे है, आज की छुट्टी है। तो अभी ये देखने के नाम क्या रही कौन सा जो मतलब कि डिफिकल्ट होगा, जहाँ गाड़ी को मोड़ना, कहाँ कुकर होगा, एक बार देखना कहाँ मोड़ना, कहाँ कहाँ जाता है, ध्यान देने की बात है, कहाँ कहाँ कौन से साइन कुकर है, क्योंकि अगर साइन फॉलो ना करें तो भी नहीं हो पाओगे कुछ भी, तो भी कैंसिल है। कितनी बार प्रैक्टिस करोगे, रोज़ मतलब कि रोज़ की 2 घंटे प्रैक्टिस इसी चीज़ की करेगी। कभी कभी इसकी ड्राइविंग की वो नहीं भी है, क्लास नहीं भी है, लेकिन ज़्यादातर 2 घंटे है रोज़ के। 2 घंटे तो ज़्यादा कर नहीं सकते, 1 घंटा करने के बाद बीच में रेस्ट लेना पड़ेगा, लगातार 2 घंटे नहीं कर सकते, ये रूल है कुछ। तो बताया गया था हमें कि 2 घंटे तो ज़्यादा आपको ड्राइविंग नहीं कर सकते, क्योंकि थक जा, ठीक है, थको भी ना, चाहे रूल है तो रूल इज रूल। चलो ठीक है, तो यहाँ घूमने के लिए आ रहे, और होगा कुछ और होगा तो हम दिखाओगे। बिल्कुल जैसा ऐसी सिचुएशन बनाया रखी, ऐसे ही मतलब कि रोड क्रॉस करने के बनाए रखे, ऐसे सिग्नल बनाए रखे, बिल्कुल सेम वही सिचुएशन दे रखी कि पार्क के दौरा कैसे रोड सस्ती वो करने, मंदी करने, अगर कहीं खड्डे वड्डे हो वहाँ कैसे करना, तो बहुत सा सब वही दे रखा। अब देखते हैं, दिखाते हैं यार आपको, मैं अकेला नहीं, 2 आदमी हो रहे हैं मेरे साथ, वे 2 घुमा लग रहे हैं वहाँ, तो हम 3 आदमी आ रहे हैं घुमा। व्यू वैसे बढ़िया लग रहा है यहाँ का। चलो ठीक है, आज दूसरा दिन स्टार्ट होगा हमारा नागासाकी में, आज देखते आज का दिन कैसे रहता है। आज तो पूरा छुट्टी का ही दिन आएंगे, घूमने फिरने पढ़ने का देखने वालने का, और यही यही मतलब जो अपने हॉस्टल से अभी बाहर निकल के आए हैं, तो हमें खानी है कि यहाँ के नागासाकी की जो फेमस डिश है, क्योंकि हर जगह की अलग अलग होती है, यहाँ की है चांपों। नाम क्या बोलते हैं? चांपों। तो हमें चांपों खानी है, पता नहीं किसी को कि यहाँ मतलब कि कहाँ शॉप है, कहाँ कैसे है, तो ऐसे ऐसे घूम रहे हैं गलियों में को घूम रहे हैं। वैसे यहाँ पे बहुत से देखने को पुराने घर भी मिले देखने को, जो फुको का में नहीं थे। तो हमें बहुत अच्छे अच्छे जिसमें बढ़िया बढ़िया पेड़ पौधे लग रहे हैं, घर दिखते हैं हमें बड़े, शायद है तो पुराने जमाने के, लेकिन ऐसा मन कर रहा है यहीं रहे। रेस्टोरेंट कुछ लाइट वाइट लग रही, रेस्टोरेंट की तरह के हैं बिल्कुल, कितने बढ़िया वो कर रखे, सेट कर रखे पेड़ पौधे से, बिल्कुल अच्छे, बिल्कुल जबरदस्त है। देखो घर है यू, ऐसा मैंने पहली बार देखा, मैं कह सके मैं कुछ नवा देखने को मिला, बहुत पुराने पुराने घर है जाम रहे वहाँ, तो ज़्यादातर सारी है नवी नवी बिल्डिंग फुकोमा, क्योंकि वह एक बड़ी सिटी है एक छोटी सिटी है, इसमें थोड़ा सा पुराने जैपनीज कल्चर का भी पता चला है, हाँ कैसा कल्चर था। उसे तो बनना है दूर वहाँ टोल टैक्स तो जिस चीज़ की दुकान हम सर्च कर रहे थे वह हमें मिलेगी, ऊपर लिख रहा है जिस पर जो पीला बोर्ड लगा है, इस पर रिंगर हॉट, यहाँ पे मिलती है चांपों। अब यहाँ पे अंदर जाके देखती है, इसका जो टाइम है वो है 7 बजे तक। तो चलो मैं बता रहा, एक तो मैंने ये ऑर्डर किया है यहाँ के चांगपोंग, जो बताता है यहाँ का जो डिश है फेमस है, एक प्लस मैंने ये 3 जो मोमोज है, प्लस किसी ज्यादा चावल गोहान का सेट है ये।
मनोज प्रदीप छेत्री छेत्री नाराज है। ये था गिरोजा और फिर उसके साथ चावल। अब इस खाते है करते है दादा की मांस खाने का। ये बच्चा है बच्चे समझा सबने प्लेट खाली कर दी। तो अब खाना वाना बढ़िया होगा, फर्स्ट क्लास एक नंबर का खाना होगा, पेट जबरदस्त भर गया। दिक्कत एक हुआ ऐसा कि जो सा सेट मैंने लिया था उसमें वो था कि छेंट से कहते उसमें था कि जो नूडल्स की जो बूंद वो थी, तो जो नूडल्स की वो थी ना रियो मात्रा, तो उसमें ये तो खुद वो ले लो जो नॉर्मल है, या फिर ले लो वो ले लो इतने को मतलब जो डेढ़, अगर या फिर ले लो डबल, तो मुझे पता नहीं था कितनी है एक सिंगल की कितनी है, तो मैंने डबल ली। तो डबल में कितनी खा गई, इतने में डबल ली होगी भाई, फट गई भाई, कितनी है फट गई। तो जिसने भी डबल ली किसी पे नहीं खाई गई, हम तीन ने डबल ली थी और सबने कुछ सबने अलग अलग मेन्यू वो चूज करा था। तो लगी पड़ी है बड़ा तो खाना, लेकिन चंपू ओशी का था खाना बड़ा बढ़िया था, हम तो नहीं ओशी करता। चलो अब देखते हैं, अब देखो इसको नौकरी अजून हाँ हुआ ऐसा कि जो सब पता है 1,000 रुपये इकट्ठा करे, इकट्ठा करके जो पैसे बचे अब चला गए आइसक्रीम खाने के नाम के जाके, जो जिन जो पैसे बचे हैं। आज की रात बड़ी कातिल है, आज की रात बड़ी मानी सर दो दाता ओके।